दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में। दोस्तों हम फिर से हाजिर हो गए बहुत सारे वॉकिंग इंटरव्यू बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स लेके। तो दोस्तों फर्स्ट वैकेंसी SRF लिमिटेड दहेज जो वॉकिंग इंटरव्यू 2 अप्रैल 2022 को होने वाला है 9 बजे से 3 बजे तक होगा। यहाँ पर दोस्तों जूनियर इंजीनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी, जहाँ पर क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और रेगुलर IT इलेक्ट्रीशियन, 4 साल का एक्सपीरियंस रिलेटिव आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं जूनियर इंजीनियर टेक्नीशियन यूटिलिटी के लिए वैकेंसी, जहाँ पर रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ITI RFM, 4 साल का एक्सपीरियंस रिलेटिव आपको दोस्तों बता दिया गया है। दोनों में एज लिमिट जो बिलो 30 चाहिए। यहाँ पर दोस्तों जो लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे इंटरव्यू में, वो अपना CV फॉरवर्ड कर दें। अगर इंटरेस्टेड हैं तो HR.RECRUITMENT1@SRF.com। दोस्तों ये जो इंटरव्यू है होटल शालीमार स्टेशन रोड भरूच गुजरात में होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जो भी COVID-19 की गाइडलाइंस हैं वो सारी फॉलो करके जानी, यहाँ पर जैसा कि आपको बताया गया है। दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे प्रोडक्शन में केमिस्ट सीनियर केमिस्ट 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस BSc मांगा गया है। R&D केमिस्ट सीनियर केमिस्ट MSc 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। QCD के लिए वैकेंसी, जहाँ पर दोस्तों केमिस्ट सीनियर केमिस्ट MSc 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस। QA डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी, जहाँ MSc 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस। यहाँ पर मेल कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगा, मेल ID दी गई जिसमें अपना CV ड्रॉप कर सकते हो career@azidcopiopure.com। नेक्स्ट मेल ID HRD करके भी दी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी हैं। फाइनली M Pharma, MSc, MBA, HR, Finance, MCOM, ITI डिप्लोमा के लिए वैकेंसी है। मेल ID यहाँ पर दी गई जिसमें अपना CV फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर क्लियर ना दिखे तो IndianIndustryTutorial.in पर चले जाओ, वहाँ पर नोटिफिकेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों तो ADL के लिए वैकेंसी है। 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस MSc M Pharma मांगा गया है। और यहाँ पर दोस्तों मेल ID देगी जिसमें अपना CV ड्रॉप कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड है तो। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल के लिए, जहाँ पर एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर डिप्टी मैनेजर फ्रेशर 2 एक्सपीरियंस, मतलब 0 से 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको बता दिया गया पूरा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन एक्यूमेंट जो भी सारे रिलेटेड बता दिए। क्वालिफिकेशन है फाइनली BSc B Pharma BTech MSc M Tech M Pharma आ गया है। यहाँ पर दोस्तों मेल ID देगी जिसमें अपना CV ड्रॉप कर सकते हो careers@provisbiolavs.com। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे मेल ID ऊपर ही देगी, आपको दिख रहे हो कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया, आपसे रिलेटेड होता अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे वाटर सिस्टम HVAC, जहाँ पर दोस्तों क्वालिफिकेशन में BE मैकेनिकल BTech मैकेनिकल TA लेवल बता दिया गया है। TA और सीनियर TA के लिए ITI डिप्लोमा मांगा गया है। 3 से 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पर दोस्तों मेल ID देगी जिसमें अपना CV ड्रॉप कर सकते हो RGHUNANDAN.SUBRAVETI@AUROBINTO.com। नेक्स्ट वैकेंसीज यहाँ पर R&D ऑफिसर्स MSc केमिस्ट्री 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस, प्लांट ऑपरेटर प्लांट ऑफिसर ITI BSc MSc केमिस्ट्री डिप्लोमा केमिकल BE केमिकल 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस। QC ऑफिसर के लिए वैकेंसी, जहाँ MSc केमिस्ट्री 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस। मेल ID देगी जिससे अपना CV ड्रॉप कर सकते हो HR@SAGRLIFESCIENCE.com। कॉन्टैक्ट नंबर है 9909354948। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे प्रोडक्शन वैकेंसी है BSc MSc BE BTech केमिकल 2 से 7 साल का एक्सपीरियंस। ऑफिसर सीनियर ऑफिसर के लिए वैकेंसी, वॉकिंग इंटरव्यू है। ये दोस्तों वॉकिंग इंटरव्यू तो पिछले वाले दिन में है, लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ मेल ID दी गई है ऑलरेडी से, नोटिफिकेशन को मैं दिखा चुका हूँ, यहाँ वैकेंसी कुछ बची हुई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अपना CV ज़रूर फॉरवर्ड करते हैं MAYANKJ@MSCLEODSPHARMA.com। नेक्स्ट मेल ID भी यहाँ पर दी गई है RECRUITMENTSARIGAM@MSCLEODSPHARMA.com।
मैंने नोटिफिकेशन इसलिए दिखाया है कि यहाँ वैकेंसीज कुछ अभी अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया 7578889908। नेक्स्ट वैकेंसी हिमानी इंडस्ट्री लिमिटेड दहेज लोकेशन के लिए, वॉकिंग इंटरव्यू है 2 अप्रैल 2022 को, इंटरव्यू है 9 से 5 बजे तक है, सन प्लाजा होटल में इंटरव्यू अंकलेश्वर में। मेल आईडी भी देगी जिस पर सीवी ड्रॉप कर सकते हो HR@MIL5@dahej.makemoneydyes.com। दोस्तों HRD करके भी मेल आईडी देगी। फाइनली आप वैकेंसी की बात करूँ तो प्रोडक्शन शिफ्ट इंचार्ज के लिए वैकेंसी BSc MSc केमिस्ट्री BVTech केमिकल एग्रो केमिकल ऑर्गेनिक इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस चाहिए, 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस, अलग अलग BSc के लिए 8 से 10, MSc के लिए 6 से 8 और BVTech के लिए 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट बात करूँ प्रोडक्शन सुपरवाइजर एग्जीक्यूटिव लिए वैकेंसी BSc MSc केमिस्ट्री, और दोस्तों यहाँ पे एग्रो केमिकल का एक्सपीरियंस चाहिए 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है प्लांट ऑपरेटर के लिए वैकेंसी ITOCP BSc केमिस्ट्री बैच प्रोसेस प्लांट आई, तो यहाँ पर 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों केमिस्ट और QC ऑफिसर के लिए वैकेंसी BSc केमिस्ट्री, यहाँ केमिकल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करूँ मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए वैकेंसी BVTech मैकेनिकल, जो केमिकल इंडस्ट्री वाले को प्रेफरेंस मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे को नहीं लेगा, 3 से 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट बात करूँ मैनेजर डिप्टी मैनेजर सेफ्टी के लिए वैकेंसी BSc BTech विद PDIS ADIS इन सेफ्टी, यहाँ पर दोस्तों केमिकल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस चाहिए, मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों इसी में आप देखोगे तो ऑफिसर सेफ्टी के लिए वैकेंसी भी है जहाँ BSc और BTech विद PDIS ADIS इन सेफ्टी, 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा, केमिकल इंडस्ट्री वाले को प्रेफरेंस मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको अपडेटेड CV रिसेंटली पास हुआ साइज फोटो ओरिजिनल सर्टिफिकेट जीरोक्स के सेट के साथ लेके जाएं, याद रखें। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर 2 और 3 अप्रैल 2022 9 से 5:30 बजे तक इंटरव्यू होने वाला है, टेक्निकल असिस्टेंट ऑपरेटर जहाँ पर IT डिप्लोमा इंजीनियरिंग फार्मेसी 1 से 8 साल का एक्सपीरियंस, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर OSD प्रोडक्शन बी फार्मा एम फार्मा 2 से 6 साल का एक्सपीरियंस। ये तो होगी प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी। पैकिंग के लिए मैं बात करूँ टेक्निकल असिस्टेंट ऑपरेटर जहाँ पर दोस्तों IT डिप्लोमा इंजीनियरिंग फार्मेसी 2 से 8 साल का एक्सपीरियंस, नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जहाँ पर दोस्तों BSc बी फार्मा एम फार्मा 2 से 6 साल का एक्सपीरियंस। इंजीनियरिंग के लिए बात करूँ इंजीनियरिंग टेक्नीशियन ऑपरेटर IT फिटर इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिकल 2 से 8 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करूँ असिस्टेंट मैनेजर 2 डिप्टी मैनेजर जहाँ पर दोस्तों BVTech 6 से 10 साल का एक्सपीरियंस, असिस्टेंट मैनेजर डिप्टी मैनेजर इंजीनियर जब BVTech 4 से 15 साल का एक्सपीरियंस। मेल आईडी आपने दी गई जिस पर अपना CV फॉरवर्ड कर सकते हो ankura.singhr@zydusliefe.com। यहाँ पूरा एड्रेस दिया गया, मध्य प्रदेश का यहाँ इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ इसी में 2 और 3 अप्रैल का इंटरव्यू और होने वाला है QA के लिए, जहाँ पर आपको एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर बी फार्मा MSc एम फार्मा 2 से 10 साल का एक्सपीरियंस, QC के लिए वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव QC के लिए, जहाँ पे दोस्तों MSc BSc मांगा गया 2 से 6 साल का एक्सपीरियंस, एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव QC के लिए वैकेंसी, जहाँ पर BSc MSc 2 से 7 से 12 साल, एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव QC के लिए वैकेंसी जहाँ BSc MSc 3 से 5 साल, एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव QC माइक्रो के लिए वैकेंसी BSc MSc, और दोस्तों यहाँ पर बी फार्मा 6 से 10 साल का एक्सपीरियंस। मेल आईडी यहाँ पर दी गई है और एड्रेस पपाया ट्री होटल है वही सेम। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर 3 अप्रैल 2022 9 से 1 बजे तक इंटरव्यू होने वाला है, ऑपरेटर ऑफिसर सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी ITI डिप्लोमा BSc MSc बी फार्मा एम फार्मा 2 से 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ये इंटरव्यू पूरा लोकेशन दिया गया है महसाना में होने वाला है दोस्तों, मेल आई डी भी देगी जैसे अपना CV ड्रॉप कर सकते हैं, आप देख रहे हो सामने। अगर आपके देखने में कोई चीज़ प्रॉब्लम हो ना तो आप indianindustrytutorial.in पर चले जाना, वहाँ पे सारे नोटिफिकेशन अवेलेबल है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे और यहाँ पे आप देखोगे R&D के लिए वैकेंसी है, ऑफिसर सीनियर ऑफिसर 1 से 4 साल का एक्सपीरियंस, MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मा एम फार्मा मांगा गया है, वॉकिंग इंटरव्यू जो होने वाला लोकेशन बता दिया गया, मेल आईडी आपके सामने दोस्तों। ये वैकेंसी जो है ना सिप्ला में देखो सारे के सारे सीनियर ऑफिसर प्रोडक्शन जूनियर ऑपरेटर प्रोडक्शन जूनियर ऑपरेटर पैकिंग ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी है जूनियर टीम, ये सारे के सारे है ना। मैं आपको बताऊं इसे अप्लाई करने के लिए आपको इजीली indianindustrytutorial.in पर जाना है, देखो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ही दोस्तों आप indianindustrytutorial.in पर जाओगे तो आपको यहां बहुत सारे नोटिफिकेशन और ही मिल जाएंगे,
तो फाइनली मैं आपको लेके चलता हूँ, देखो दोस्त, शिपला। तो ये वाला जो ऑप्शन है, शिपला वाला है, मैं इसे आपके सामने प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। ये नोटिफिकेशन वही है फाइनली, जैसे मैं जाऊँगा यहाँ पर, तो ये सारी की सारी वैकेंसी, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसा बताया गया है यहाँ पर, ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी है MSc बी फार्मा डिप्लोमा और ग्रेजुएशन, 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, सारी सारी वैकेंसी। फाइनली इसे अप्लाई करने के लिए आपको नीचे जाना है, और यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन तो आपको देख रहा होगा, ये वाला क्लिक, इसे आपको अप्लाई ऑनलाइन जैसे प्रेस करोगे तो आप उस लिंक पे पहुँच जाओगे, जहाँ से आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और इजीली अप्लाई कर पाओगे। जैसे ट्रेनिंग ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना है तो ट्रेनिंग को प्रेस कर देना है, जैसे प्रेस करोगे तो आपको सारी डिटेल दिख जाएगी, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, सारी डिटेल दिखेगी आपको। और यहीं पे मैं बात कर लेता हूँ, नेक्स्ट वैकेंसी थी 27 ब्राइन कैम, जब वॉकिंग इंटरव्यू है 2 अप्रैल को होने वाला है, यहाँ पे आप देखने को मिलेगा, मैं जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे BSc MSc केमिस्ट्री, BE डिप्लोमा इन मैकेनिकल, डिप्लोमा इन केमिकल, IT इंस्ट्रूमेंटेशन, ग्रेजुएशन, ITI, ये वगैरह के लिए है वैकेंसी। मैं इसे प्रेस कर देता हूँ, आपको अच्छे से जानकारी मिल जाए इसलिए। तो यहाँ पे मैंने इसे प्रेस कर चुका हूँ, और यहाँ से आप इजीली, मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ से इसे शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। बाकी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, जैसे यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट QA के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर केमिस्ट, सीनियर केमिस्ट, BSc MSc केमिस्ट्री, 4 से 7 साल का एक्सपीरियंस, 4 मैकेनिकल के लिए वैकेंसी, BE डिप्लोमा इन मैकेनिकल, 4 से 7 साल का एक्सपीरियंस, फील्ड इंजन प्रोडक्शन ब्रोमीन के लिए वैकेंसी है, डिप्लोमा केमिकल, 4 से 7 साल का एक्सपीरियंस, टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए वैकेंसी, IT इंस्ट्रूमेंटेशन, 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस, ETP ऑपरेटर के लिए ग्रेजुएशन, IT, 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस। ये इंटरव्यू दोस्तों 2/4/2022 को 9:30 से 4:30 बजे तक होने वाला है, पूरा एड्रेस आपको देखो यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। नोटिफिकेशन आप बोलोगे भाई ओरिजिनल नोटिफिकेशन तो आपने दिखाया ही नहीं, और ये नोटिफिकेशन जो इन्होंने रिलीज़ किया है, वो वाला नोटिफिकेशन ये है, वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, आप देख भी सकते हो, ठीक है। तो ये ओरिजिनल इसका नोटिफिकेशन है, पूरी एड्रेस सारी चीज़ें दी गई हैं इसमें।